Good morning. Good morning. On behalf of University of Delhi, I welcome you all. Today is a great day for the university. We are launching our portal for registration for undergraduate studies. And I would like to share that this time, number of candidates who applied for this undergraduate admissions, 6,14,000 students have in the NTA process. They have selected Delhi University as the preferred destination for their studies. And the number of undergraduate programs, 79. Number of colleges we have with us, centers and departments, 67. And number of BA programs combinations, 206. As we all know, this is a very new system. First time we are admitting students through Common University Entrance Test, UET. And so our process of admitting students will be different than the last year. I would like to request Professor Haneet to give you a presentation about the whole process so that that will help our dear students who are interested to join University of Delhi. Thank you, sir. Good morning, sabhi ko namaskar. So CUET kal khatam ho gaya, uska last phase bhi khatam ho gaya, aur ab hum apni prakriya shuru kar rahe hain, admission ki prakriya. To ye choti si presentation hai jo main aapke sath saanjha kar rahi hu. Jo Delhi University ka admission process hoga, वो हमारा कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी सीसास के थ्रू होगा. सभी एडमिशन जो हैं सभी कार्यक्रमों में इसी पोर्टल के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होंगे. जैसा सर ने बताया, हम 79 प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर कर रहे हैं. इसके साथ साथ हमारे पास 206 बीए कॉम्बिनेशंस भी हैं जो विभिन्न कॉलेजेस में हैं, और तकरीबन 70,000 सीट्स हैं जिन पर एडमिशन होगा. सभी बीए जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ म्यूजिक ऑनर्स, बी वोकेशनल, बीएलएड और अन्य विषयों में एडमिशन होगा. जो सीसास का कार्यक्रम है वो तीन फेजेस में है. पहला फेज जिसे हम आज लॉन्च कर रहे हैं, दिस फेज इज़ अबाउट अप्लाइंग थ्रू CSAS एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें बच्चे सिर्फ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे. फेज टू जो होगा, जो हम CUET के रिजल्ट जब आ जाएंगे तब इसको ओपन करेंगे. इसमें बच्चे अपना प्रोग्राम और कॉलेजेस जिसमें चाहते हैं उसे चुनेंगे और उसकी प्रेफरेंसेस देंगे. और जो आखिरी फेज होगा वो सीट एलोकेशन और एडमिशंस का होगा. जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे हम आज लॉन्च कर रहे हैं, CSAS 2022, वो इन खंडों में विभाजित है. पर्सनल सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, ECA स्पोर्ट्स, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना, प्रीव्यू देख लेना और फाइनली पेमेंट कर देना. जो हमारा पर्सनल सेक्शन है उसमें बच्चों के नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर वो CUET UG 2022 के फॉर्म से ऑटो इंटीग्रेट होंगे. यानी ये तीन फील्ड्स को एडिट नहीं कर पाएंगे. जो इन्होंने CUET में भरा था उसे हम ऑटो इंटीग्रेट करके इसे वैसे का वैसा ही ले लेंगे. अन्य फील्ड्स को वो एडिट कर सकते हैं. यहाँ पर वो अपनी ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल्स और माता पिता का नाम और अपने बारे में, अपने घर के बारे में इत्यादि के बारे में जानकारी भरेंगे. दूसरा सेक्शन जो एकेडमिक सेक्शन है, वहाँ पर बच्चे अपने कक्षा 12वीं के मार्क्स भरेंगे. आपको याद दिला दूँ, हमने ये कहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि CUET में वो वही पेपर दें जिसमें उन्होंने क्लास 12th पढ़ी हो. तो हम बच्चों से आग्रह करते हैं और कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एकेडमिक सेक्शन में वो क्लास 12th के मार्क्स भरेंगे. जो बच्चे ECA और स्पोर्ट्स के सुपर न्यूमररी कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ECA और स्पोर्ट्स सेक्शन पर जाके अपने ECA और स्पोर्ट्स की कैटेगरीज, गेम्स और सब कैटेगरीज को चयनित करेंगे. इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन, जिसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो उन्हें अपलोड करने होंगे. और फाइनली प्रीव्यू सेक्शन, जिसमें उन्होंने जो फॉर्म सबमिट किया उसको देखकर, जांच के बाद में सबसे आखिर में वो पेमेंट गेटवे पे जाएंगे. CUET का जो एप्लीकेशन नंबर है वो मैंडेटरी होगा, यानी फॉर्म खुलेगा ही तब जब अपना CUET का नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे.
यहाँ कुछ बातें विशेष तौर पर एडवाइसेज हम बताना चाहते हैं बच्चों को कि वो अपनी पर्सनल डिटेल्स को भरते हुए अटमोस्ट केयर और एक्सरसाइज करें, यानी स्कूल सोशल कैटेगरी, कास्ट, जेंडर जो है उसे ध्यान से चेक करके तब भरें, क्योंकि एक बार अगर वो भर देंगे तो शायद दोबारा भरने का मौका नहीं मिलेगा। दे शुड ऑल्सो टेक अटमोस्ट केयर बाई फिलिंग देयर क्लास 12th मार्क्स, बिकॉज ये फिर आगे जाके टाई ब्रेकिंग का आधार बनेंगे। They should ensure that all the documents are valid and in the prescribed form. And University of Delhi will not take any undertaking in lieu of incomplete or non-availability of certificates. इसके ऊपर भी University of Delhi ने तकरीबन 15 दिन पहले हमने एक सूचना जारी की थी, जिसमें हमने बच्चों से कहा था कि अगर आपके certificates तैयार नहीं है तो उनको तैयार कर लीजिए। 31 अगस्त तक का टाइम दिया था और फिर हमने उसको बढ़ाकर 11 सितंबर तक का टाइम किया था। तो क्योंकि इस बार हम अंडरटेकिंग के आधार पर एडमिशन नहीं करेंगे, तो बच्चों से आग्रह है कि वो अपने सर्टिफिकेट्स तैयार कर लें। फॉर्म फिल करते समय जल्दबाजी ना करें और डेडलाइन ख़त्म होने से पहले पहले फॉर्म फिल कर लें। बहुत से बच्चे लास्ट में फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो गलतियाँ करते हैं। प्रिव्यू कर लें ध्यान से और बाद में पेमेंट करें। पेमेंट के बाद कोई भी चेंजेस करना संभव नहीं होगा। CAS की एक टाइम वन टाइम नॉन रिफंडेबल फीस फॉर यूआर अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इट इज़ 250 रुपीज़। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के छात्रों के लिए 100 रुपये है। जो बच्चे ईसी और स्पोर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके बाद जब हमारा फेज़ वन चलेगा, इसके साथ साथ ही हम फेज़ टू, जैसे ही CUET का रिजल्ट आएगा हम ये भी लॉन्च कर देंगे। ये फेज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ध्यान देने वाला है। इसमें बच्चे अपने जो प्रोग्राम्स, जिस जिस प्रोग्राम में वो एलिजिबल हैं उसे चुनेंगे और अपनी प्रेफरेंसेस देंगे। यहाँ पर BA प्रोग्राम्स जो हैं, जितने भी प्रोग्राम्स, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे जितने प्रोग्राम्स में वो एलिजिबल है उन सभी को चुने, बिल्कुल छोड़े नहीं, बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू विल गेट एन एडमिशन एंड व्हाट द अदर स्टूडेंट्स हैव। सो कैंडिडेट्स मस्ट सिलेक्ट ऑल द प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड टू देम डिपेंडिंग अपॉन द CUET स्कोर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दे शुड ऑल्सो सिलेक्ट BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशन। एज सेड अर्लियर देर आर 206 BA कॉम्बिनेशन विच गिव्स अ वाइड वेराइटी फॉर एडमिशन। वंस दे डू दैट दे विल हैव टू कन्फर्म द CUET स्कोर एंड वेरीफाई देयर मार्क्स विच आर देयर ऑन द पोर्टल। After doing this, then they will be offered a program and college window where they will pick the program and college preferences. जैसे जैसे वो चयनित करेंगे, जैसे जैसे चुनेंगे, वैसे ही उनकी preferences बनती चली जाएंगी। वो इसको reorder कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये करने के बाद उनके पास बहुत सारे platform खुल जाएंगे जिसमें वो जितनी preferences और colleges, अगर आप थोड़ी सी भी maths लगाएंगे, 79 courses into 67 colleges and 206 BA combinations, it will be a wide perspective which they can offer. They should pick as many programs and colleges as they wish to. We would request that they should pick all, in fact. Candidates will have to then confirm their preferences. If they do not confirm their preferences within the last date, their last save preference order will be locked automatically and that will become the basis of allocation. Here again, we would like to give certain advices. The candidates must select as many programs subject to their fulfillment of eligibility. Fill maximum number of preferences. Arrange the preference order of program and colleges very carefully, because these preferences may not be able to edit after the form is submitted. They must read the UG Bulletin of Information, जो हमने 5 अप्रैल को लॉन्च किया था। UG Bulletin of Information के अंदर सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। दे शुड रीड दैट केयरफुली एंड कन्फर्म देयर कॉलेज प्लस प्रोग्राम प्लस कॉलेज प्रेफरेंस। दे शुड नॉट बी इन अ हेस्ट इन फिलिंग द प्रेफरेंसेज ऑफ कॉलेजेस एंड स्टार्ट फिलिंग द CS फॉर्म एज अर्ली एंड डू नॉट बी इन अ हेस्ट वेल सिलेक्टिंग द प्रोग्राम्स। डू नॉट बी इन अ हेस्ट टू वेट फॉर द लास्ट मिनट टू फिल द प्रोग्राम्स and preferences. The allocations will be done on the following basis. Highest possible preference will be allocated provisionally considering the following criteria. Group, program group merit list, which means the programs with same program specific eligibility will make a program group, the category of the candidate and the availability of seats. After we get the preferences from the candidates, then we will move on to our phase 3, which would be allocation and admission process.
एवरी प्रोग्राम विल हैव एन एलोकेशन लिस्ट एंड द एडमिशन विल बी डन अकॉर्डिंगली. जब बच्चे को एक सीट एलोकेट होगी तो उसके पास चॉइस हो, उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. उनके पास हो सकता है मल्टीपल एलोकेशंस आए, स्पेशली बीए प्रोग्राम को लेकर जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं. दे विल हैव टू एक्सेप्ट दैट सीट. देयर विल बी एन एक्सेप्टेंस आइकन देयर. दे विल हैव टू एक्सेप्ट. देन व्हेन दे एक्सेप्ट द सीट, जिस कॉलेज में जिस प्रोग्राम को वो एक्सेप्ट दबाएंगे वो फिर उस कॉलेज की तरफ चला जाएगा. कॉलेजेस उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को, इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे. द कॉलेज विल देन अकॉर्ड इट्स अप्रूवल. आफ्टर दे गेट द अप्रूवल द कैंडिडेट विल हैव टू पे द फीस. इन केस द कॉलेज डज नॉट फाइंड द डॉक्यूमेंट्स आर एनी अदर क्राइटेरिया इनवैलिड और नॉट सेटिस्फैक्टरी, दे मे रिजेक्ट द फॉर्म ऑल्सो. इम्पॉर्टेंटली हियर इज व्हेन यू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द कॉलेज, द कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द सीट एंड पे द फीस. इन केस द कैंडिडेट डज नॉट एक्सेप्ट द फीस, द एलोकेटेड सीट, विच मीन्स शी डज नॉट टेक एनी एक्शन और इनएक्टिविटी, दिस विल बी टेकन एज नॉन एक्सेप्टेंस टू द एलोकेटेड सीट एंड इट विल बी ट्रीटेड एज डिक्लाइन टू द प्रोविजनली ऑफर्ड सीट. This candidate who does not accept will no longer be able to participate in the CSAS allocation form. So the important point takeaway here is in order to be considered for the upgradation in the subsequent rounds, the candidate must accept the allocated seat. Once the college checks it, they will either approve or reject. After approval, pay the admission fees. Now we move on to the subsequent cycle. जब first cycle में आपके पास seat accept होगी और आपने ले लिया, उसके बाद आपके पास दो option रहेंगे, या आप upgrade कर सकते हैं या freeze कर सकते हैं. जिन candidates को admission मिल गया है वो upgrade जब चुनेंगे तो वो अपनी higher preferences में हम उनको automatically move करते जाएंगे. उनकी existing seat जो थी वो withdraw हो जाएगी और आगे उनके preferences पे चलते चले जाएंगे. If the higher preference is allocated, candidate will have to again accept the allocated seat. Important point here is that candidate to whom the first preference is allocated will never be considered for upgradation, and if a candidate chooses to upgrade and is upgraded in the subsequent round, his or her current admitted seat will be auto cancelled. And again the same process will repeat, the cycle will repeat. The upgraded seat will be sent to the college. The college will again check the eligibilities and approve the admission. Freezing option will freeze the candidate's admitted seat and he or she will not be allowed to upgrade, which means the candidate is satisfied with the seat that she has got and will not be able to upgrade it any further. In case the candidate does not opt for anything, neither upgrade or freeze, then the admission taken by him or her will be retained and he or she will not be considered for upgradation. There are also tie-breaking rules here. Once we get the CUET score, the highest percentage aggregate marks of class 12th, best three subjects will be considered to break the tie first in the first order. Then we will move on to best four, then best five, and finally we will move to age. In case we need more, we may add more. Now there is a system that we have put in our place, which is the online query resolution system. Whenever if there is a college and the college wants to communicate and interact with the student, and while giving the approval, जब approval दे रहे हों और college को लगता है कि उन्हें कुछ certificate दिख नहीं रहा या legitimate नहीं हो रहा है और वो बच्चे से दोबारा मंगाना चाहते हैं, तो ये एक हमने query based resolution system किया है. कॉलेज वहाँ से क्वेरी जनरेट करेंगे, ये बच्चे के प्लेटफॉर्म पे आएगी, बच्चे को उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना होगा. तो दिस इज़ लाइक अ कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉलेज एंड द कैंडिडेट. दिस इज़ डन टू हेल्प द कैंडिडेट्स एंड टू अवॉइड रिजेक्शंस एज फार एज पॉसिबल. There is also a provision of mid-entry if a candidate by chance misses. Although we do not encourage this, we would request candidates to be on time and apply on time. However, if somehow a candidate misses the deadline to apply, he or she may enter the system by paying a mid-entry fee of ₹1,000. After we finish all the rounds of admission and we still feel that there are seats vacant, then we will announce spot admission rounds. These will be to fill the vacant seats. Candidates who were not admitted to any college on the date of declaration of spot admission will be able to participate. The candidate will have to opt for spot admission on his or her dashboard. And for every spot admission round, the university will of course display the vacant seats and in each college and program. The desirous candidate here can select only one program, and the allocation criteria will be on the availability of seats, program specific merit, order of preference, and category of the candidates.
दिस इज वन पॉइंट दैट द यूनिवर्सिटी हैव टेकन अ डिसीजन ऑन टू फैसिलिटेट फास्टर एलोकेशन कम एडमिशन प्रोसेस. इन द फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन वी विल गिव 20% एक्स्ट्रा एलोकेशन इन ईच प्रोग्राम इन यू आर ओ बी सी एंड ई डब्ल्यू एस एंड 30% इन एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू बी डी कैंडिडेट्स. Now coming to our ECA and sports category, ECA 14 categories mein aur sub categories mein vibhajit hai. Ek candidate min maximum 3 categories mein apply kar sakte hain. Jo unke certificate hain wo 1 April aur 30 June ke beech mein bane hue certificates hi vaadhya honge. Jo 5 certificates wo upload karenge usmein se candidate will be marked on the basis of 3 best certificates only. ECA allocation will be based on the candidate's combined ECA merit, which is called CEM. 20% बच्चों के program specific highest score के ऊपर से लिया जाएगा और 75% उनका ECA highest score से लिया जाएगा. कि इसी ECA category में consider होने के लिए minimum उनको 30 marks 75 में से आना अनिवार्य होगा. इसी तरह स्पोर्ट्स सुपर न्यूमररी कोटा में भी 27 गेम्स और स्पोर्ट्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और 26 फॉर मेन इन डिफरेंट कॉलेजेस. यहाँ पर भी सॉरी दिस शुड बी कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट 20% CUET का स्कोर 25% मेरिट ऑन द स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड 50% टू द ट्रायल्स ऑफ स्पोर्ट्स. मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी गेटिंग 20 मार्क्स इन स्पोर्ट्स एटलीस्ट एंड 200 मार्क्स आउट ऑफ 400 इन द स्पोर्ट्स ट्रायल. अगेन द सर्टिफिकेट्स वैलिडिटी वुड बी फ्रॉम 1 April 2017 टू 30 June 2022. All other supernumerary seats such as PWBD, children widow of personnel of armed forces, Kashmiri migrant, Prime Minister special scholarship scheme for JNK students, nomination of seats for Sikkimi students and university ward quota is as it is, and there will be separate merit list for candidates seeking admission in these supernumerary categories. There are many initiatives with the University of Delhi is taking, highlighting a few of them. We will be very soon putting up videos explaining the step-by-step process. There will be infographics on our website. We will, of course, be doing a lot of public webinars, and the help desk through emails, chatbots, and phone numbers are already in place. For any queries, the student can write to us at these help desks, or they can also speak to us. Finally, we would like to make an appeal to all the candidates that candidates are advised to be cautious and trust only the information published on the official channels of University of Delhi. If you are in doubt, when in doubt, please write or contact us. You can contact us or see the information on the admission website, which is here on the on the screen, or on the Facebook channel of University of Delhi, or on the Twitter account. And the University of Delhi corresponds only through the email IDs ending with du.ac.in. Any other email IDs received by the candidates will be dubious. So this is an appeal that we would like to make to all the candidates to please visit the admission website and look out. There are tutorials, infographics, many student-friendly initiatives that we have taken. And this is important that they come to the university website and look for the authentic information. Thank you. You're welcome for any questions and queries you have. Yeah, please. 1 minute. वो आपके back में mic है उनको. एक मिनट. Put on your mic. On कर लो. उनको दे दो जो पहले पूछे It's okay. Am I able? Hello. हाँ पूछिए. So ma'am, I just wanted to understand if you could elaborate on this mid-entry scheme in which 1,000 rupees has to be paid. At what stage any candidate will be able to enter through this? So this is just a provision that has been made to help any candidate when we get grievances ki registration miss ho gaya tha. उसके लिए एक प्रोविजन किया है, लेकिन हम इनकरेज नहीं करना चाहते कि कोई भी बच्चा मिस करे, बिकॉज इनकी एलोकेशन फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है. जिस जो बच्चा पहले से ही सीसास में होंगे उनकी एलोकेशन, और जो बाद में एंटर करेंगे डेफिनेटली उनके पास कुछ राइट्स भी नहीं होंगे और उनके पास कुछ चीज़ें हैं जो उनको नुकसान भी दे सकती हैं. ऑल्दो वी डोंट वांट टू इनकरेज, बट वी विल अनाउंस अ डेट आफ्टर मे बी वी हैव डन सर टू राउंड्स और थ्री राउंड्स. आफ्टर टू राउंड्स
then we will announce a window for yes for CSAS allocations in phase 3. Then we may announce a window in which candidates, those who have missed applying, can do so in that window. Yeah, gentlemen, second row. Yeah. हाँ, please. सर आपने कहा कि 70,000 सीटें हैं. सर अंदाजन कितने कैंडिडेट आते हैं? क्या इन 70,000 में दिल्ली के स्टूडेंट के लिए सीट फिक्स है? और एक दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जिनको 70,000 में जिनका नंबर नहीं आता है, क्या कुछ ऐसा प्रोविज़न है कि ऑटोमेटिकली दे गो फॉर स्कूलिंग, दिस ओपन स्कूलिंग एग्ज़ाम और ओपन स्कूलिंग एजुकेशन? सर दिल्ली विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हमारे पास रीजनल रिजर्वेशन नहीं लगता है, तो ये सारे देश के लिए है. दिल्ली के बच्चों के लिए ऐसे कोई दिल्ली के हिसाब से कोई रिजर्वेशन नहीं है, एक तो ये बात हुई. दूसरा, ये प्रोसेस 70,000 सीट्स के लिए ही है. आपको SOL में यदि अप्लाई करना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का अलग सिस्टम है, NCWEB का भी अलग सिस्टम है, और उसका तो NCWEB का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, SOL का भी थोड़े दिन में शुरू करेंगे उसको, वो अलग सिस्टम है, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बच्चे की चॉइस है. हाँ, उनको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए. नहीं देखिए, इस बार जो हमारे पास नंबर है करीब करीब 6,14,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया. जब NTA ने उनसे पूछा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देना चाहेंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो है 6,14,000 लोगों ने यस कहा है. अब देखते हैं कितने अप्लाई करते हैं, पर ज़्यादातर करेंगे ही हमें लगता है. बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पर टेस्ट का सिस्टम में ज़्यादा होता भी है और ये बहुत ज़्यादा है. यस श्रद्धा प्लीज. प्लीज. अपग्रेड वाला सिस्टम हर एलोकेशन से पहले, अगर आपको आपकी हाईएस्ट प्रेफरेंस नहीं मिली है तो आप अपग्रेड करते जा सकते हैं हर राउंड से पहले एक्सेप्ट स्पॉट राउंड. मैम, आई वाज आस्किंग इफ ए स्टूडेंट इन द NTA रिजल्ट हैज गॉट. कैन आई सी यू? आई एम हियर. हां प्लीज. प्लीज. सो इफ ए स्टूडेंट हैज गॉट इन द कॉमन मेरिट लिस्ट and he happens to be from the reserved category SC ST OBC, he wants to get admission in the common merit in the general merit category, is it possible? First, or he will be considered for general merit only. Okay, and if he is not getting, then he will get into the reserve category also. Sure. Yes, please. कट ऑफ आती थी, अब CUET के आधार पे हो रहा है, कितना बदला है? और हमने जब एग्जाम्स हुए CUET के तो देखा काफ़ी, हालांकि चूंकि फर्स्ट टाइम ये हो रहा था तो काफ़ी अच्छे से कंडक्ट हुआ, उसके बावजूद भी कभी तकनीकी खराबी आई, कभी एग्जाम्स लेट हुए, उसकी वजह से छात्रों को काफ़ी परेशानी हुई, तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या कुछ और किया गया है? देखिए, एक तो ये समझने वाली बात है कि ये नया सिस्टम है और कितने कॉम्बिनेशंस, मेरे ख्याल से ये CUET जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ जिस स्केल पे हुआ और जितने कॉम्बिनेशन थे, शायद ये भारत का तो सबसे बड़ा था ही, शायद वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा एग्ज़ाम हुआ ये. तो आप उसका स्केल अगर देखेंगे तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आई है, क्योंकि पहली बार है, अगली बार वो भी नहीं होंगी, ऐसा हम लोगों का मानना है. दूसरी बात है, नया सिस्टम है तो अभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा तो इतने कॉम्बिनेशन है, अगर स्टूडेंट कॉम्बिनेशन अपने ठीक से भरेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी. मान लिया कि आपने 4 कॉम्बिनेशन भर के छोड़ दिए कि मैंने तो ये एक्स कॉलेज, ये वाला लेना है ऑनर्स, ये वाला, 4 या 5 भरेंगे, 10 भरेंगे, हो सकता है आपको CT अलॉट ना हो उसमें. तो हमारी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि आप अपने सारे प्रेफरेंसेस भर दीजिए, आपको नहीं पसंद आए तो एक्सेप्ट मत कीजिएगा, अपग्रेड दबा के रखिएगा, आपको आगे चांस मिलेगा. तो 3, 4, 5 जितने भी राउंड चलेंगे, हर बार जो स्टूडेंट्स अपग्रेड कहेंगे उनको उससे नेक्स्ट के लिए चांस मिलेगा उसमें आगे देखने. और यदि आप खुश हैं, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, देन इट्स ऑल राइट. आप फ्रीज कर देंगे तो आपको आगे कंसिडर नहीं करेंगे, आप अपना कॉलेज ज्वाइन कीजिए फिर उसको. इस तरह से सिस्टम चलेगा. CUET का आता है तो फिर आप दूसरा फेज शुरू करेंगे, लेकिन आप तीसरा कब करेंगे और इनका ड्यूरेशन कितना होगा?
राउंड कितने करेंगे और मैं बताता हूँ ऐसा शेड्यूल अगर इसका हो तो बच्चों को प्रिपरेशन में ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे। नहीं देखिए ऐसा है, आज ये तय करना मुश्किल है क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज शुरू कर रहे हैं, तो ये 21 डेज हम सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन चला के रखेंगे, रिजल्ट आने के बाद भी चलता रहेगा, जब तक फर्स्ट राउंड नहीं हो रहा है तो लोग अपने प्रेफरेंसेस भरते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट राउंड हमने एडमिशन किया उसके बाद में फीस के लिए टाइम दिया जाता है जमा करने के लिए, फिर सेकेंड राउंड लेंगे, फिर मिड एंट्री अलाउ करेंगे उसके बाद में, कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, किसी को समझ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, इतना नुकसान तो ना हो जाए, किसी का मन नहीं था, उसने इंटरेस्ट नहीं लिया पहले भरने में, अब उसको एक चांस देंगे और स्टूडेंट्स को भी प्रेफरेंसेस चेंज करने का भी चांस देंगे वहाँ पे हम, फिर कि आपको लगा कि आपने पहले कुछ गलत भर दिए या आपको लग रहा है अब मैं चेंज कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मेरी मेरिट ही नहीं दूसरों की मेरिट पे भी तो फर्क पड़ता है ना, क्योंकि रिलेटिव है सारी चीज़, तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद में, अभी हम सोचते ऐसा है कि दो राउंड उसके बाद और लेके जाएंगे स्पॉट राउंड से पहले। ठीक है सर, सेंट स्टीफेंस को लेके सर क्या कहेंगे, सेंट स्टीफेंस को लेके क्या अभी क्या स्ट्रेटजी है उसको लेके? नहीं हमारी तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हमारा तो जो पहले था स्टैंड वही स्टैंड है, वही कोर्ट से आज आया है, तो नॉर्मल जो सीटें हैं उनके ऊपर 100% सीयूईटी से होगा जैसे सब स्टूडेंट्स का होता है, वही हमारा स्टैंड था। लेकिन सर अगर आगे वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं फिर क्या करेंगे? देखते हैं अभी क्या होता है, पर आज हम तो अपने स्टैंड पे पहले भी आज भी हैं, आज तो अभी जजमेंट आया है तो हम सब का जो स्टैंड था कोर्ट ने उसको सही माना है। सर इज देयर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स फॉर द एलोकेशन प्रोसेस? कोई इज देयर अ कैप दैट यू आर पुटिंग लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स? नॉट बिकॉज़ दिस इज फर्स्ट टाइम, वी डोंट हैव एनी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस फॉर दैट, बट वी आर प्लानिंग टू हैव एटलीस्ट 3-4 राउंड्स। But won't more be required because say students then we will go for more. Okay. Then we'll go for more. we are very flexible here. And when is the first round starting, sir? First round, I really don't know right now, but it may be around 10th October or 12th October. First round. Okay, sir. Thank you. So if St. Stephen's College, because in the first round, you know, the best is we are admitting 30% additional SC/ST and other students and 20% general category and some. So that, you know, in the first round, we will try to admit good number of students. So that, you know, after that, they will not have any difficulty. Sir, एक सवाल इधर से, सर इधर से एक सवाल. Just a minute, Jaydeep was continuing in fact. On the same subject, if St. Stephen's College refuses to withdraw its perspective by the particular date of the launch, will you drop them from the CACS portal? Because if they want to continue with litigation and not withdraw their prospectus. No, that will depend upon the directions from the Supreme Court. Right now we have won the case. And then they have to admit non-minority seats through CUET only. But if Supreme Court stayed that, then we will see. Then there'll be a problem with the entire portal and how it goes. No. No, we don't have. Let us see. We will not. Okay. We are very hopeful. Professor Singh, one question from this side. Kunal. Please. Kunal. Sir, सबसे बड़ी बात तो कि एक जो इस बार examination conduct हुए उसको लेकर के भी बहुत confusion रहा. आपने भी देखा बहुत सारे teething troubles आप कह लें whatever you can say. But now we are here for the admission process. We are going to start with the admission process. So are you overlooking any kind of challenges since it is happening for the first time? What kind of challenges you are looking for? And if it is challenging for you, obviously it will be for the students as well. So how you are going to deal with it? Because they are under tremendous pressure. Already they have given examination. Now the results will come. They all will be hoping for an admission in any of the DU colleges because as you said 6.14 lakhs they have applied for DU. So how you are going to cope up with so many challenges at a time? Dekho, hamari policies se usko minimize karne ki koshish ki hai. Pehla to ye ki we are admitting 20% and 30% additional students in the first round in order to minimize that challenge first. But my request to all the students that please fill मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेज, उसमें कंजूसी मत करो. अगर वो करोगे तो बहुत बड़ा चैलेंज आएगा कि आपके पास मार्क्स भी हैं सब कुछ है आपने प्रेफरेंस नहीं दिया सीट नहीं मिलेगी. उस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए भी देन वी हैव ओपन मिड एंट्री प्रोविजन.
Because we do understand that there are good number of students, they may not understand many provisions of the whole process, and if they are under some confusion, we are there to help them. But still, we will provide them another option after second round of counseling. So I don't see, but yes, we have to fill. Every student should fill maximum number of preferences as per his or her choices. That's the key. हम तो तैयार हैं अभी, हम तो तैयार हैं, हम आज पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, हमारी तो पूरी तैयारी है, तभी कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, अभी करते हैं। इसके बाद लॉन्च कर। Yes. No, they will not release merit list. So, how will this merit list be decided? They will release the score in every subject. After that, depending, we will extract data from NTA. Now, depending, suppose a student wants to take physics honors, then eligibility for physics honors is physics, chemistry, mathematics marks. We will take these three marks and a language marks. Language is considered, nahin. So physics, chemistry, three subjects. Then we will prepare a merit, and that merit will be displayed on our website. No, centralized list. Yes, Sushil ji, please. Sir, one list for DU. And student will give preference according to that. I want this college first. No, students will decide. जी सुशील सर, एडमिशन फ्रीज होने के बाद स्टूडेंट अपना विड्रॉल नहीं करा सकता है क्या? नहीं, विड्रॉल करा सकता है, तभी तो वैकेंसी क्रिएट होगी सेकंड राउंड के लिए। विड्रॉ तो आप कर ही सकते हो अगर आपने ले लिया एडमिशन, लेकिन वो एक डेट होगी, उस तक आप विड्रॉ करना पड़ेगा। वो हम शेड्यूल निकालेंगे अपना पूरा वेबसाइट पे। वैसे तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों के लेवल पे हमारा रहेगा, वॉलंटियर्स भी रहेंगे, इंटर्न्स भी रहेंगे, ऑनलाइन सपोर्ट भी रहेगी सारे मैटर पे, और पर यूनिवर्सिटी अपना भी करेगी और कॉलेजेस भी उसमें करेंगे। आप ऐड करना चाहें हमें? जी सर, सर कॉलेजेस के हेल्प डेस्क के नंबर्स भी हमारी वेबसाइट पे आज भी डले हुए हैं, बस हम कॉलेजेस के साथ एक बार ओरिएंटेशन कर लेंगे तो वो हेल्प कर सकते हैं। हमारी चैटबॉट फंक्शन है, आप अभी भी अगर चैटबॉट यूज करेंगे तो आपको अभी एक मिनट के अंदर जवाब आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि एडमिशन तो सेंट्रलाइज्ड है ना, कॉलेजेस का रोल उतना ज्यादा है नहीं इसमें, उनका तो है डॉक्यूमेंट चेक करना, हाँ डॉक्यूमेंट चेक करना, वेरिफिकेशन कराना, अगर क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना है, अगर मान लिया कि कोई डॉक्यूमेंट कम है या रीडेबल नहीं है, कुछ है, वो तो कॉलेज क्वेरी जनरेट करेगा और स्टूडेंट को अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा अपना फाइनल एडमिशन। यस मैम, प्लीज। सर आज से आप पोर्टल खोल रहे हैं, कब लास्ट डेट कब है? इधर लास्ट डेट कब होगी सर? मैंने देखो, हम 21 डेज सोच रहे हैं तो 3 अक्टूबर लास्ट डेट मान लो। एक चीज और पूछना चाह रही हूँ, ये एनटीए में जैसे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं तो उसमें कैटेगरीज हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, अगर कोई स्टूडेंट अभी कैटेगरी चेंज करना चाहता है क्योंकि उस समय उसके पास सर्टिफिकेट नहीं था, ईडब्ल्यूएस का नहीं था, तो क्या अभी तो अलाउ करेगा? आप जब भरेंगे तो हम फिर उसको एंटरटेन करेंगे, आप अलाउ करेंगे? ठीक है, थैंक यू। मैं मुन्नुन श्रीवास्तव। सिंह साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि लास्ट ईयर जब एडमिशन प्रक्रिया चल रही थी तो ग्रीवेंस सेल सही से काम नहीं कर रहा था, स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी हो रही थी, हमने लगातार दिखाया, क्या इस बार जो है वो ग्रीवेंस सिस्टम सही काम करेगा? हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छे से इसको एड्रेस करें, रहेगा, बहुत लोग काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि हम एक बेहतर सर्विस दे पाएंगे। और सर हम ये भी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन ग्रीवेंसेस भी हैंडल हो जाए। जिनके पुराने एक या दो सब्जेक्ट छूट गए हैं वो एग्जाम दे सके, तो उसमें सर आपका कितना कैसा रिस्पॉन्स रहा सर उसमें? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अभी करीब करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया उस पर, और अभी अक्टूबर में हम पहला एग्जाम भी कराने जा रहे हैं उस पर,
और अभी तो बहुत रिक्वेस्ट ये आ रही है कि हमें पता नहीं लगा, हमारे लिए भी अलाउ कर दो, हमारे लिए भी अलाउ कर दो, वो बाद में देखेंगे, फिर अलाउ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर शुरू कर सकते हैं फिर दोबारा? हाँ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास अभी पेंडिंग पड़ी हैं इसके लिए, पर हमने सोचा है एक एग्जाम करा कर जरा सक्सेस स्टोरी देख लें जी। उसके बाद कर देंगे, क्योंकि देखिए ये कोई इतनी फिक्स चीज तो है नहीं जी जी, पर अगर अगर मतलब स्टूडेंट के इंटरेस्ट में है और किसी का थोड़े से डिग्री बची हुई है तो हम अलाउ करेंगे, अभी अभी तो हमारा मन यही है। थैंक यू। सर मैं इसमें एग्जाम देना है, सिर्फ एग्जाम देना है बस उसको, उनका एग्जाम हमें कराना पड़ेगा अलग से, हम करा रहे हैं 1 अक्टूबर में, फिर मार्च में कराएंगे दूसरा एग्जाम जी। मैं सुनील कुमार सिंह, सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एनटीए का एग्ज़ाम जो रिजल्ट आया वो काफ़ी डिले आया, अभी एडिशनल प्रोसेस में भी लंबा समय लगेगा जी, जी। तो क्या कहीं फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पूरा 6 महीने का 4 महीने का जो बैच चलता है, बच्चे कहीं क्लासेस में सफ़र नहीं करेंगे इस डिले की वजह से? देखिए क्योंकि आपको एडमिशन तो आपको दिसंबर में कराने ही होंगे कैसे भी ना कैसे। देखिए सुनिए, वो एग्जाम सॉरी नहीं ऐसा नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम तो सेमेस्टर वाइज कराएंगे ही ना समय पे। नहीं नहीं फर्स्ट सेमेस्टर का कैसे कराएंगे? नहीं फर्स्ट देखो एक सेकंड देता हूँ। देखो ऐसा है, 1 नवंबर को हम क्लासेस शुरू कर देंगे, तो एग्जाम तो उसके बाद 180 डेज की टीचिंग कराने का हमारा जैसे मैंडेट है 90 इन ए सेमेस्टर, तो 90 डेज की जब खत्म होगी उसके बाद ही एग्जाम कराएंगे। अभी क्या है, बहुत सारे कारणों से सेमेस्टर डिले हुआ है, केवल CUET नहीं है, कोविड का भी अभी इम्पैक्ट रहा, सब कुछ रहा, लेकिन मुझे लगता है एक साल में हम इसको कोशिश करेंगे, एक तो वेकेशंस नहीं करेंगे, समर वेकेशंस भी नहीं करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि मेकअप हो जाए ये सारा। यस मार्क्स ऑफ डिफरेंट पेपर्स, मार्क्स ऑफ डिफरेंट पेपर्स विल बी कम्बाइंड एंड द यूनिवर्सिटी विल कम अप विद एन एक्सपेक्टेड सेट ऑफ कट ऑफ। हाँ सो कट ऑफ नहीं, हमारी अपनी मेरिट बनाएंगे हम। So university merit will be applicable to all colleges, or the colleges can have their separate no, cutoff. It will be applicable to all colleges. So from this year, so from this year, one can say that there will be no separate cutoff of colleges. Is no, that correct? No, there will not be any separate cutoff for colleges. Yes. So there will be a central cutoff, and all colleges will admit on according to the centralized cutoff. Actually, cutoff होगा ही नहीं, वो system ही नहीं है cutoff का. Okay. Depending on after first round of counselling, we will allocate all seats to students. Up. Then it will depend upon the student whether you are satisfied or not satisfied okay, with that. So you will go in the suppose merit order. If you are satisfied with okay. that, you will say freeze my this, I am okay with this. If you are not okay, you will say upgrade. So in next round, we will upgrade depending upon the vacancy. Okay, okay, all right. Then third round like that. Ji, please. Sir, I have another question. Take the mic. Sir, okay, so as number of aspirants have increased, are there also some seats are increasing in some courses? Seats? Yeah. Abhi dekho, seats to aise, because 20% additional admissions will be taking. Wo to subsequent rounds mein consume ho jayenge. Wo increase nahi hai. Wo to basically shuru mein hai ki log idhar udhar na jaye, pareshan na ho. Par normally aisa mana jata hai ki itni to vacancy aati hai, to wo subsequent round mein consume ho jayenge. Seats, additional seats ka to koi subject abhi hamare paas nahi hai. In none of the subjects, none of the colleges. मेरे ध्यान में तो नहीं है अभी कोई ऐसा okay. नहीं है। नहीं मेडिकल अलग है वो तो, हाँ वो तो सिस्टम अलग है उनका तो। जी anybody else please? After third round, counseling. After 10th October. Yes, sir. After 10th October. Sir. हाँ. कितने pass out हुए? देखो convocation पे degree जो दी करीब करीब 2 lakh plus students को degree दिया हमने, 2 lakh plus को दिया. सर राहुल चौहान दैनिक जागरण से, सर एक सवाल जी, राहुल सर जैसे कि 15 को रिजल्ट आएगा CUET का, तो दूसरे चरण के लिए आपके यहाँ उसी दिन से अप्लाई करना शुरू हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा पोर्टल करेंगे तो? नहीं उसमें तो कुछ नहीं करना ना स्टूडेंट्स को,
अच्छा फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर दिया फिर जैसे रिजल्ट आ गया फर्स्ट राउंड होगा फिर सेकंड राउंड होगा आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए अपने को अच्छा उसको आगे फिर अपग्रेड करते जाएंगे वही आगे कंसीडर होता जाएगा जो एक बार हो गया पर सेकंड राउंड के बाद हम आपको एक चेंज का ऑप्शन देंगे ओके ओके ठीक है थैंक यू क्योंकि फर्स्ट टाइम है वैसे भी थोड़ा कई बार गलती हो जाती है कुछ हो तो हम चेंज का ऑप्शन देंगे सर एक मेरा और सवाल है लास्ट ईयर जो शॉर्टफॉल ऑफ एडमिशन हुआ था रिजर्व कैटेगरी में उसके लिए आपने कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट क्या आई हमें मालूम नहीं है लेकिन क्या इस बार जो है रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सेंसिटिव होगी यूनिवर्सिटी उनके सीट्स भर पाएंगी नहीं है ही ना इसी कारण से हम 30% एडिशनल एडमिशन रिजर्व कैटेगरी में कर रहे हैं पहले से वो कमेटी की रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं 30% एडिशनल एडमिशन फर्स्ट राउंड में कर देंगे तो अगर कोई ड्रॉप आउट भी हुआ तो एडजस्ट हो जाएगा नहीं हुआ तो नहीं हुआ कोई बात नहीं ज़्यादा बच्चे पढ़ लेंगे क्लास में तो वो हम ऑलरेडी इस उस इशू को एड्रेस कर दिया है सो जी प्लीज पोर्टल लॉन्च कर दें जस्ट होल्ड द माइक एंड देन I still don't have complete clarity ki in which circumstances like will upgradation happen because if students are happy say with the first the allocation that has happened to them in the first round suppose which are the conditions in which upgradation will happen suppose I am student and I want admission in physics honors I have given preferences say first is my physics honors X college, then Y college, then Z college, then A college, then B college. All preference. Based on my merit, if I get my second choice, if I am satisfied with that choice, second choice, then I will say accept, freeze my seat. I am happy here. If I am not happy here, I will say upgrade. It means what? This seat is with me, but I am not satisfied with this. In the next round, if a vacancy rises, then I should be considered. So if there is a vacancy, ये ऊपर मिल जाएगा उनको. Some peers who have been allocated their default seat chosen upgradation, it will be open for upgradation. Yes. Okay. It's a very transparent system. Very transparent. Open days means spot round. Yes. नहीं public. Yes sir. बहुत सारे open days public awareness. Public awareness program. Yes. Good number of programs we will organize. अभी बनाएंगे ये वाला तो लाइव आ ही रहा है प्रोग्राम अभी बना के देंगे आपको हाँ अभी 100 ईयर्स में देखिए बहुत सारी चीजें शुरू की हैं एक तो आपने ये बताया दूसरा हमने एक शुरू किया है कि सिंगल कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम अभी तक क्या है प्रोग्राम बेस्ड होता है अभी ये एडमिशन कर रहे हैं आप देखो कोई फिजिक्स ऑनर्स ले रहा है कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले रहा है कोई ले रहा है अभी अगर आप में से कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है एनिमेशन का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है यूनिवर्सिटी अभी तो यूनिवर्सिटी क्लोज है आपके लिए सबके लिए क्लोज है अभी हम इसको ओपन करेंगे सभी सिटीजन्स के लिए कि इफ़ यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर ए कोर्स ओनली लेकिन कंडीशन ये है कि वो ऑनलाइन वगैरह नहीं होगा यू हैव टू कम स्टडी इन द क्लास विद द स्टूडेंट्स उसके बाद एग्जाम देना होगा and after that you will get a certificate as well as these credits will be accounted in the academic bank of credit so no age limit so that is capacity enhancement scheme jo hum launch kiya hai isko january 1st se shuru karenge nahi hum alag course koi nahi rakh rahe pura media program chal raha hai aap koi bhi course padhna chahte hain to aap padhein jaise ki 20 courses chal rahe hain media program mein journalism mein ya 40 to jo aap lena chahte hain par हर कोर्स में एक प्रीरिक्विजिट हो सकता है अगर देर इज नो प्रीरिक्विजिट इट्स ऑल राइट इफ देर इज ए प्रीरिक्विजिट कि यू हैव टू स्टडी दिस कोर्स बिफोर दैट देन यू हैव टू स्टडी दैट कोर्स फर्स्ट दैट्स द ओनली रिस्ट्रिक्शन बिकॉज देन यू विल नॉट बी अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कोर्स सो दिस वी आर ओपनिंग फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिल्ली इट्स ऑल्सो एंड 5% सीट्स एडिशनल सीट्स विल बी क्रिएटेड फॉर दिस वन ऑल्सो उसके बाद नहीं कोई फीस वो देनी पड़ेगी ना वो तो अलग चीज है ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी है 250 सो डियर फ्रेंड्स आई होप योर क्वेरीज आर कंप्लीट एंड
In the meantime, portal khul raha hai, abhi there we're trying it. We'll be sending a press release immediately after lunch. So be sure, English and Hindi, in both, you'll get the press release and the photographs as well. आ गया वो उधर उधर आ गया आ गया आ जाओ इसे माइक माइक को इधर कर सर मोबाइल से प्लीज सर ये बस सामने ये टचिंग हो रही है सर इधर सर एक बार कर लीजिए चलो बहुत So friends, thanks a lot. Thanks for coming and you're invited for the lunch. Piche hi, wahan par. Sir. Sir. Thank you.